हेलो फ्रेंड्स, तो आज था हमारे मोहल्ले में माता दुर्गा का विसर्जन। और ये देखते हुए मैं पूरा रेडी था, लेकिन मैं लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ मंदिर की तरफ, पंडाल की तरफ, और वहाँ देखा तो सभी जो निकल चुके थे माता दुर्गा को लेकर। और मैं धीरे धीरे फिर मंदिर की ओर गया और देखा मूर्ति यहाँ से उठा लिया गया है और सभी लोग निकल चुके हैं। उसके बाद ये छोटे बच्चे मस्ती कर रहे थे, और फिर ये देखते हुए कि सारे भक्तगण जो है धीरे धीरे आ रहे थे मोहल्ले की तरफ पूरे साजबाज के साथ, और यहाँ पे ढाक बज रहा था और कुछ लेडीज़ जो है डांस कर रही थी, पूरा मगन होके माता दुर्गा विसर्जन को लेकर के। और जो है धीरे धीरे गाड़ी पर ये मूर्ति आगे बढ़ने लगा, और साथ ही सभी भक्त लोग भी आगे बढ़ने लगे। और बहुत ही भव्य तरीके से ये पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा था हमारे मोहल्ले में। पूरा माता दुर्गा का जो है वो निकलती हुई गाड़ी, और ये देखते हुए हम भी पूरा अच्छा से ब्लॉग बना रहे थे आप सभी के लिए। और ये देखते हुए फिर डीजे पर कुछ जो है बच्चे डांस कर रहे थे बड़े मगन होकर के। फिर से देखा तो भीड़ पूरा ज़्यादा नज़र आने लगा, और ये भैया रवि भैया मुझे हेलो करने लगे मेरा ब्लॉग देख कर के। देख कर मुझे मज़ा आया। और फिर उसके बाद जो है हमारे गौरव भैया भी उनके बीवी बच्चों के साथ वो भी हेलो करने लगे हमारे ब्लॉग में, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने सोचा कि थोड़ा अंकित का वीडियो बनाया जाए ये डांस वाला, तो वो डांस कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कैमरे में आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगे हमारा वीडियो। और ये देखते हुए हमारे फ्रेंड्स भी हेलो करने लगे, और मज़ा आ रहा था ये देखते हुए। फिर बीच में ये नन्ना बालक मिला जिसका हेयर स्टाइल काफ़ी अनोखा लगा मुझे, मज़ा आ गया। और उसके बाद ये छोटू उछल रहा था, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पहुँचे, और मेरा दोस्त भी वीडियो कर रहा था, ये ब्लॉग बना रहा था। कुछ देर के बाद हमारी जो गाड़ी जो है वो पहुँच गई मंदिर, हमारे नीलकंठ मंदिर, और सभी लोग मज़े में थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। और ये बाबा नीलकंठ के मंदिर हम लोग आकर ये कवर कर रहे थे कि इतना में अनूप रंग लगा रहा था सबको। और उसके बाद हमारी ये चाची जो है सबको रंग लगा रही थी, और उसके बाद मुझे भी रंग लगा दिया इस दोनों गालों में। और फिर उसके बाद डीजे पर क्या डांस हो रहा था गजब का, और भीड़ तो मत पूछिए। उसके बाद मैं भी सोचा कि थोड़ा आप सबको कैमरा हिला करके दिखा दूँ कैसा मस्ती चल रहा है। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ी, और फिर जो है ये बाबा मगन होकर डांस कर रहे थे, जो देखकर मजा आया। और ये भाई का मत पूछो, अनूप भाई का पड़ाका धराया, और धीरे धीरे खाली जगह में जाकर इस बॉम्ब को वहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो है कुछ देर बाद वेट कर रहे थे कि अब ये फूटेगा धड़ाम से, और ये फूटा और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ किया। उसके बाद फिर से सारे भक्त